गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माई सेल्फ मनोज चोटिया फ्रॉम रघुनाथ विद्यालय। हम लोग पढ़ रहे थे भ्रौणिकी। भ्रौणिकी के अंतर्गत हमने पहला अध्याय पढ़ा मानव में युग्मक जनन, दूसरा अपन ने पढ़ा युग्मकों का संलयन या निषेचन, और तीसरा अपन पढ़ रहे थे मानव में भ्रूणीय परिवर्तन। भ्रूणीय परिवर्तन के दौरान हमने पढ़ा था युग्मनज, युग्मनज के अंदर विदलन, विदलन के अंतर्गत मोरूला का निर्माण, मोरूला के निर्माण के बाद में कोरक भवन, कोरक भवन के निर्माण के दौरान कोरक पुट्टी का निर्माण, कोरक पुट्टी के पश्चात गेस्टुलेशन, जिसे तीनों जर्मिनियल स्तर बनते हैं, यानी एक्टोडर्म, मिजोडर्म और एंडोडर्म। अब अपन पढ़ेंगे इन तीनों जर्मिनियल लेयर का भविष्य क्या है, जो कल थोड़ा बहुत अपन ने पढ़ा था कि एक्टोडर्म कौन से अंगों का निर्माण करता है, मिजोडर्म कौन से अंगों का निर्माण करता है और एंडोडर्म कौन से अंगों का निर्माण करता है। तो जनन स्तरों का जो भविष्य है उसे हम 8 पॉइंट के अंतर्गत पढ़ेंगे। प्रथम वीक, द्वितीय वीक, तृतीय वीक से छठा वीक, छठे वीक से आठवां वीक, नौवे वीक से बारहवां वीक, और तीसरे से चौथा महीना, और चौथे महीने से छठा महीना, और छठे महीने से टिल बर्थ। क्योंकि अपन जानते हैं मनुष्य के अंदर जननिक काल जो है वो 9 माह या 270 दिन का होता है। तीन जननिक स्तरों में प्रत्येक स्तर शरीर के विभिन्न अंगों का, तंत्रों का निर्माण करता है। इन्हीं तंत्रों के द्वारा भ्रूण तथा वयस्क में भविष्य छुपा हुआ रहता है। तो क्या क्या घटनाएं इसके अंतर्गत होती है, देखिए प्रथम वीक के अंतर्गत सबसे पहले आप लोग जानते हैं कि 24 से 30 घंटे के अंदर निषेचन की क्रिया होती है। 24 से 30 घंटे के अंदर निषेचन की क्रिया होने के पश्चात 48 घंटों में दो कोशी की अवस्था का निर्माण होता है। तीसरे दिन फिर मोरूला का निर्माण होता है, और सातवें से आठवें दिन के अंतर्गत जायगोट जो है या युग्मनज जो है वो गर्भाशय के अंदर अंतररोपित हो जाता है कोरक पुट्टी या पोस्ट कोरक या इनर सेल मास कोशिकाओं के द्वारा। उसके बाद में द्वितीय सप्ताह के अंतर्गत क्या होता है, आदि रेखा का निर्माण होता है, महत्वपूर्ण है। कोरक पुट्टी गर्भाशय एंडोमेट्रियम से पूर्ण रूप से प्रवेश कर जाती है। भ्रूणीय बिंब तथा बाह्य भ्रूणीय झिल्लियों का निर्माण पूर्ण हो जाता है। 14वें दिन आदि रेखा का निर्माण होता है। तो अपने को ये याद रखना है, प्रीमेटिव स्टिक या आदि रेखा, आदि रेखा का निर्माण कब होता है, 14वें दिन होता है। तो ये एक नंबर का प्रश्न पूछा जा सकता है। इसी प्रकार एक नंबर का प्रश्न ये है कि 48 घंटे में युग्मनज जो है दो कोशी की अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, और तीसरे दिन जो है मोरूला का निर्माण हो जाता है, और इम्प्लांटेशन या रोपण जो है वो 7वें से 8वें दिन के अंतर्गत होता है। तो इस भविष्यता के अंतर्गत भी अपने छोटे छोटे क्वेश्चन छुपे हुए हैं। फिर है 3rd to 6th week, तृतीय से छठे सप्ताह के अंतर्गत क्या होता है, तीसरे सप्ताह में एंडोडर्म व मिजोडर्म जननिक स्तरों का निर्माण हो जाता है। 20वें दिन तंत्रिका तंत्र का निर्माण पूर्ण हो जाता है, तंत्रिका तंत्र या न्यूरुलेशन जो है वो 20वें दिन स्टार्ट हो जाता है। 28वें दिन हृदय का धड़कना प्रारंभ हो जाता है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि 28वें दिन क्या होता है, हृदय की धड़कन जो है वो प्रारंभ हो जाती है। प्रश्न पूछा जा सकता है हृदय की धड़कन कितने दिनों के पश्चात प्रारंभ होती है, तो 28वें दिन हृदय की धड़कन जो है वो प्रारंभ हो जाती है, और हार्ट रेट जो है वो 113 बीट प्रति मिनट उस समय होती है। ग्रसनी चाप निर्मित तथा भ्रूण के चारों ओर एमनियोटिक द्रव की मात्रा बढ़ने लगती है, और मस्तिष्क का तीव्र विकास इस दौरान भी होता है। फुफ्फुस व गुर्दे भी दिखाई देने लगते हैं। छठे से आठवें सप्ताह क्या होता है, छठे से आठवें सप्ताह बाहरी कान उभरने लगते हैं, यकृत में आरबीसी का निर्माण जो है वो प्रारंभ हो जाता है। आप लोगों को पता होगा एक नंबर का प्रश्न यह भी बनता है कि भ्रूण में आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है, भ्रूण में आरबीसी का निर्माण जो है वो यकृत में होता है, और वयस्क अवस्था में आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है, वयस्क अवस्था में आरबीसी का निर्माण अस्थि मज्जा के अंतर्गत होता है। 7वें सप्ताह से अस्थि निर्माण की प्रक्रिया भी शुरू हो जाती है। 8वें सप्ताह के अंत तक मनुष्य की भांति भ्रूण का आकार हो जाता है, अब इसे गर्भ कहते हैं। हृदय पूर्ण विकसित हो जाता है, और 167 बीट प्रति मिनट हृदय की धड़कन हो जाती है। दाएं व बाएं हृदय में ये विभक्त हो जाता है। 8वें सप्ताह का भ्रूण जो है वो करवट लेने लगता है, और थोड़ा सक्रिय भी होने लगता है। आंखों की पलकें जो है वो भी विकसित होने लगती है। 8वां सप्ताह भ्रूणीय अवधि की समाप्ति होती है। इस समय तक प्रौढ़ व्यक्ति में पाई जाने वाली संरचना का 90% तक भाग भ्रूण के अंदर विकसित हो जाता है। फिर है 9वें से 12वां सप्ताह, 9वें से 12वें सप्ताह के अंतर्गत शिशु जो है
या भ्रूण जो है अंगूठा चूसना प्रारंभ कर देता है। इस दौरान पैरों में भी गतियां संभव हो जाती है, पलकें बंद हो जाती है, कंठ में वाक रज्जु विकसित होने लगता है। 9वें से 10वें सप्ताह में 75% तक आकार जो है वो बढ़ जाता है। 11वें सप्ताह में गर्भस्थ शिशु जम्हाई लेने लगता है। अधिकांश शिशु जो है वो दाहिना अंगूठा चूसते हैं। उसके पश्चात 11वें सप्ताह के अंत तक होठ व नाक भी विकसित हो जाते हैं। तीसरे से चौथे महीने में देखिए अब क्या होता है। तीसरे से चौथे महीने में मुंह में स्वाद गलिकाएं विकसित हो जानी है और नवजात शिशु द्वारा ली गई ग्लूकोज को भी वो क्या करता है, आंतर द्वारा पचाने का काम करता है। और शिशु के द्वारा सर्वप्रथम जो मल स्रावित किया जाता है उसको कहते हैं मेकोनियम। तो ये एक नंबर का बोर्ड के अंदर प्रश्न आया हुआ है कि मेकोनियम क्या है। शिशु द्वारा स्रावित प्रथम मल को क्या कहते हैं, मेकोनियम कहते हैं। तो ये आप ध्यान में रखेंगे, एक नंबर का प्रश्न यहाँ पे बनता है। और इसके बाद में जो बालिका शिशु है वो नर की तुलना में अधिक मूवमेंट दर्शाता है, दांतों का विकास होने लगता है। और माँ को जब स्पष्ट रूप से शिशु की मूवमेंट या हलचल का पता लग जाता है उसे क्लिकनिंग कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, क्लिकनिंग। तो ये भी प्रश्न अपने को ध्यान में रखना है, क्लिकनिंग क्या है। शिशु की हरकत का माँ को प्रथम बार पता चलना क्या कहलाता है, क्लिकनिंग कहलाता है। फिर 4 से 6 महीने, 4 से 6 महीने के अंतर्गत वर्निक्स नामक जो आवरण है वो पूर्णतः भ्रूण को घेर लेता है, आंतरिक कर्ण पूर्ण विकसित हो जाते हैं। शिशु उच्च ध्वनि के प्रति प्रतिक्रिया व्यक्त करने लगता है। त्वचा में विभिन्न ग्रंथियों का विकास प्रारंभ हो जाता है। फेफड़ों में सांस लेने की क्षमता विकसित हो जाती है। फिर है 6ठे से बर्थ तक यानी जन्म तक क्या क्या परिवर्तन होते हैं। 6ठे महीने में शिशु जो है वो पलके झपकने लगता है। इस समय मस्तिष्क में तेजी से वृद्धि होती है, इसका भार बढ़ जाता है। 7वें माह में अश्रु ग्रंथि जो है वो विकसित हो जाती है, सूंघने की क्षमता का विकास हो जाता है और त्वचा के नीचे वसा का आवरण बन जाता है। और यही वसा का आवरण जन्म के पश्चात तापमान को सहन करने में शिशु को सक्षम बनाता है। फुफ्फुसीय कुपिकाओं का विकास होने लगता है 8वें माह में और गर्भस्थ शिशु के आवल से स्रावित। अब उसके बाद में क्या हुआ, 8वें महीने के बाद में गर्भस्थ शिशु के आवल जो जिसको अपन साधारण भाषा में प्लेसेंटा भी कहते हैं उससे एस्ट्रोजन स्रावित होता है और माता को प्रसव का दर्द होने लगता है। और जिसके फलस्वरूप हाइपोथैलेमस मस्तिष्क के द्वारा ऑक्सीटोसिन हार्मोन का स्राव किया जाता है और शिशु का जन्म जो है वो हो जाता है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि निषेचन से प्रसव तक के अवधि जो होती है उसको अपन गर्भकाल कहते हैं। मनुष्य में लगभग 266 से 270 या अपन साधारण भाषा में कहें तो 9 माह का गर्भकाल पाया जाता है और उसके पश्चात शिशु का जन्म होता है। और जन्म के दौरान विभिन्न प्रकार की संरचनाओं का निर्माण इसके अंतर्गत होता रहता है, या जो एक्टोडर्म मिजोडर्म और एंडोडर्म है वो क्या करते हैं, विभिन्न अंगों का निर्माण प्रारंभ करते हैं। तो ये इन तीनों जर्मिनियल लेयर जनन स्तरों का क्या था, भविष्य था। इसी के साथ अपना ये अध्याय यहाँ समाप्त होता है। एम्ब्रियोलॉजी में अपना एक अंतिम अध्याय एक और बचा है, मेंचुरेशन साइकिल इन ह्यूमन, आर्तव चक्र मानव में जो कि मादा के अंतर्गत होता है, उसका अध्ययन अपन अपने अगले वीडियो के अंतर्गत करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।